हाई स्टूडेंट्स असलकुमिशाक सर आई होप यू आल आर फाइन टुडे आवर टॉपिक इज़ एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर वन इज़ डिवाइड हमारा पार्ट नंबर ए है हमारा फोर्टी डिवाइड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री डिवाइड बाय फोर्टी। हमारे पास एक नंबर है फोर हंड्रेड फिफ्टी थ्री हमें इस 453 को डिवाइड करना है 40 के साथ तो सबसे पहले हम हमारे पास जो नंबर है 40 हम यहाँ पे भी एक टू डिजिट नंबर लेंगे 45 फाइव एंड दिस 45 फाइव इज़ ग्रेटर दैन फोर्टी सो अब हम इस 45 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाई वन दैट इज़ इक्वल टू फोर्टी हेयर ए माइनस फोर्टी फाइव माइनस फोटी देट इज़ इक्वल टू फाइव एंड दिस थ्री गो डाउन जैसा स्टूडेंट्स मैंने इस पार्ट को यहाँ पे किया है अच्छे से नाउ आप फिफ्टी थ्री आया हमारे पास नंबर फोर्टी मल्टीप्लाई बाई वन दैट इज इक्वल टू फिफ्ट फोर्टी सो आवर रिमाइंडर इज थर्टीन तो यहाँ पर आप देखिए जो जो ये है हमें बताना था कि इसका क्वेश्चन टे क्या आया और रिमाइंडर क्या आया तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया अलेवन और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया थर्टीन यहाँ पे मैंने लिखा है दियर फॉर द क्वेश्चन इज इक्वल टू अलेवन एंड आरोमाइंडर इज इक्वल टू थर्टीन तो जो मेरे पास ये नंबर था फोर फिफ्टी थ्री इस नंबर को हम कहते हैं डिविडेंट और इस 40 को हम कहते हैं डिवाइजर जो ऊपर आया हमें अलेवन और ये नीचे आया थर्टीन इस अलेवन को हम कहते हैं क्वेश्चन एंड दिस थर्टीन इज कॉल्ड द रिमाइंडर यहाँ पे जो हमारे पास है पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर बीज हमारे पास एक नंबर है एट हंड्रेन फिफ्टी थ्री इसको हमें डिवाइड करना है फोर्टी के साथ सो लेट्स टेक टू नंबर्स एटी फाइव एंड दिस एटी फाइव इज ग्रेटर दैन फोर्टी सो एटी फाइव मल्टीप्लाई बाई टू देट इज़ इक्वल टू एट्टी एंड रिमाइनज़ फाइव एटी फाइव माइनस एटी रिमाइडज फाइव एंड दिस थ्री गोज डाउन इस पार्ट को यहाँ पर मैंने अच्छे से प्रूव किया है तो अब यहाँ पर रहा फिफ्टी थ्री नाव फोटी मल्टीप्लाई बाई वन दैट इज इक्वल टू फोटी सो फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टी थ्री माइनस फोर्टी आवर आंसर रिमाइनज थर्टीन तो यहाँ पर आप देखिए ये जो ये ऊपर वाला ट्वेंटी वन है दियर फोर क्वेश्चन इज ईकॉल ट्वेंटी वन क्योंकि ये ट्वेंटी वन जो हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो ये ऊपर वाला नंबर होता है दिस इज़ द ट्वेंटी वन सो क्वेश्चन इज ट्वेंटी वन और ये जो नीचे वाला नंबर रहा है दिस इज थर्टीन सो द रिमांडर इज थर्टीन नाउ हमारे पास जो है पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर सी इज़ फोर हंड्रेड एट्टी डिवाइड बाई फोटी अब हम यहाँ पे दो नंबर्स लेंगे फोर हंड्रेड एट्टी डिवाइड बाई फोर्टी यहाँ पर हम ये दो नंबर्स लेंगे फोर्टी मल्टीप्लाई बाय वन दैट इज इक्वल टू फोर्टी हेयर ए माइनज एट एंड दिस ज़ीरो कम्स डाउन इस पार्ट में को मैंने यहाँ पे लिखा है तो फोर्टी मल्टीप्लाई बाय टू दैट इज इक्वल टू एट्टी सो एटी माइनस एट्टी इज ज़ीरो नाउ यहाँ पर जब मैंने इस पार्ट को प्रूव किया तो फोर्टी तो मुझे डिवाइड करना फोर को मुझे डिवाइड करना था फोर्टी के साथ तो मैंने सबसे पहले क्या किया फोर्टी मल्टीप्लाई बाई वन दैट इज इक्वल टू फोर्टी सो फोर्टी एट फोर्टी एट माइनस फोर्टी रिमाइनस एट दिस एट एंड दिस ज़ीरो कमज डाउन ठीक है तो फिर मैंने क्या किया फोर्टी मल्टीप्लाई बाई टू दैट इज इक्वल टू एट्टी सो 80 माइनस एट्टी दैट इज इक्वल टू दिस ज़ीरो एंड नाउ दिस 12 is our quotient and this zero is our required remainder now johamare pass a part number d our part number d is 286 divided by 20 let's take this 28 because 28 is greater than 20 20 multiplied by 1 that is equal to 20 minus 8 and this 6 goes down ऐसे यहाँ पर मैंने इस पार्ट को किया है तो ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई फोर दैट इज इक्वल टू एटी एट्टी माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू सिक्स यहाँ पर आप देखिए जो यह, जो ये ट्वेंटी था इस ट्वेंटी को हम कहते हैं द डिविडेंट एंड दिस टू हंड्रेड एट्टी सिक्स इज कॉल्ड द डिवाइजर एंड दिस फोर्टीन इज कॉल्ड द कोशन एंड दिस सिक्स इज कॉल्ड द रिमाइंडर यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे इस ट्वेंटी को हम कहते हैं द कोशंट और इस uh, 286 को हम कहते हैं डिविडेंट और इस 14 को हम कहते हैं क्वेश्चन टैंटी सिक्स इज कॉल्ड द रिमाइंडर यहाँ पे मैंने यही लिखा दियर फॉर द क्वेश्चन इज इक्वल टू फोटी एंड द रिमाइंडर इज इक्वल टू सिक्स तो यहाँ पर हमें क्या था एक नंबर था टू हंड्रेड एटी सिक्स ये वाला नंबर टू हंड्रेड एटी सिक्स इस टू हंड्रेड एटी सिक्स को मुझे डिवाइड करना था ट्वेंटी के साथ जब मैंने इस टू हंड्रेड एटी सिक्स को डिवाइड किया टेंटी के साथ तो so मेरा जो क्वेश्चन आया वो आया फोर्टीन और हमारा जो रिमाइंडर आया दैट इज़ सिक्स थैंक्स स्टूडेंट्स